प्रिय विद्यार्थियों, गांधी के 150वें शताब्दी वर्ष पर पूरे देश में ही नहीं विश्व में गांधी को याद किया जा रहा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम गांधी पे संक्षिप्त विचार करना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है और वर्तमान जो स्थिति है उसमें गांधी कहाँ प्रासंगिक है और कहाँ प्रासंगिक नहीं है, इसको जानने से पहले आवश्यक हो जाता है कि गांधी कौन है। अगर हम एक स्केच खींचें तो हमें लगेगा कि जिसमें गोल चश्मा लगा रखा है, एक कृष का शरीर है, हाथ में लाठी है, अधनंगा फकीर अर्थात आधा वस्त्र पहने हुए धोती और आधी बदन ढका हुआ दिखाई देता है। क्या ये व्यक्ति गांधी है? नहीं, गांधी इससे बहुत कुछ अधिक है, क्योंकि ये तो एक भारत का प्रतिबिंब है, प्रतीक है, और भारत में सभी जगह इस प्रकार के लोग घुमंतु के रूप में दिखाई देंगे। परंतु गांधी उन घुमंतुक भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति की आत्मा का उद्दीपन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गांधी मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी जो ब्रिटेन में विलायत में शिक्षा प्राप्त करके बैरिस्टर बन जाता है, उस गांधी की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि वह गांधी तो विलुप्त हो चुका है दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हुए। तो ये कौन सा गांधी है? ये मोहन से महात्मा बनने वाले गांधी की चर्चा हम कर रहे हैं, और ये जो गांधी है ये महात्मा गांधी है। अब प्रश्न आता है कि ये महात्मा क्यों बन गया? ये कहीं गुफा और कंदराओं में निवास करने वाला महात्मा तो दिखाई नहीं देता, ये तो राजनीति करता हुआ दिखाई देता है, आंदोलन करता हुआ दिखाई देता है, फिर ये महात्मा क्यों है? तो प्रश्न आता है कि महात्मा कौन है? जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में जाते हैं, तो वहाँ पर रेल के डिब्बे में उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होता है। मॉरिसबर्ग स्टेशन पर एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं और कहते हैं, मिस्टर गांधी तुम यहाँ से जाइए दूसरे डिब्बे में, यहाँ मैं बैठूँगा। गांधी कहते हैं, मैं बैरिस्टर हूँ, मैंने इस सीट का टिकट दिया है, मेरे पास ये रिजर्वेशन है, ये फर्स्ट क्लास का टिकट है, और मैं वहाँ से आ रहा हूँ और मुझे वहाँ तक जाना है। वो कहता है, नो मिस्टर गांधी, तुम्हें यहाँ नहीं बैठने का अधिकार। अरे भाई क्यों नहीं अधिकार है? मेरे पास जब टिकट है, मैंने इसका रिजर्वेशन करा रखा है, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ तो मुझे जाना होगा। परंतु वो नहीं मानते हैं और अंग्रेज अधिकारियों ने हफ्सी और अन्य प्रकार से ब्लेडी बास्टर्ड कहते हुए, ब्लैकेस्ट कहते हुए गांधी को धक्का मार के निकालने की बात करता है। गांधी के पास वहाँ विकल्प है, और वो विकल्प यह है कि वो दूसरे डिब्बे में बैठकर जा सकते हैं, परंतु गांधी जाते नहीं। गांधी के पास विकल्प है कि वो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, परंतु करते नहीं। गांधी के पास विकल्प है, जैसे वो उससे हाथापाई करते हैं, गांधी उससे हाथापाई करके दोनों गुत्थम गुत्ता होकर ट्रेन के नीचे गिर सकते हैं, पर गांधी करते नहीं। गांधी ठंडी उस रात में जब बाहर निकाल दिए जाते हैं डिब्बे के बाहर, वो अपना और कोट लेना भी उचित नहीं समझते, भूल जाते हैं, या हम यूँ भी मान सकते हैं कि विस्मित हो जाता है, हतप्रभ रह जाते हैं। और उस ठंडी रात में उस स्टेशन पर बैठे हुए गांधी विचार और चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। वहीं पर वो सोचते हैं, ये मेरा अपमान नहीं, ये मानव का अपमान है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निकाल देता है तो ये क्या है? व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष है, व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध प्रभेद है, व्यक्ति और व्यक्ति में अंतर है। तो गांधी कहता है, ये मेरा अपमान नहीं, ये व्यक्ति का अपमान है, ये मानवता का अपमान है, जिस मानव के विरुद्ध दूसरा व्यक्ति शक्तिशाली होकर के इस प्रकार का कृत्य करता है। फिर गांधी प्रचार करते हैं कि ये मेरा नहीं, ये भारत का अपमान है, क्योंकि ब्लैकिस्ट कहता है, इंडियन कहता है, तो ये मेरा नहीं, ये भारत का अपमान है। तो गांधी यहाँ अपना पन भूल जाते हैं और भारत की बात करते हैं कि ये भारत का अपमान, अर्थात राष्ट्र के विचार जागृत होते हैं, मानवता के विचार जागृत होते हैं। फिर गांधी कहते हैं, मैं भी संघर्ष करूँगा, इस जो मेरे साथ अत्याचार हुआ है इसका मुझे प्रतिरोध करना चाहिए, और मैं प्रतिरोध करूँगा। अगर मैं भी उन्हीं के समान हिंसा से उसका प्रतिरोध करता हूँ, तो उसमें और मेरे में क्या अंतर होगा?
यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या अंतर होगा। गांधी यहीं एक नैतिक सिद्धांत की खोज करते हैं, यहीं पर गांधी प्रतिरोध का एक नया साधन, न्यूतन साधन, अहिंसा का साधन उत्पन्न करते हैं। और गांधी कहते हैं, मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, मैं सत्य के लिए संघर्ष करूंगा, मैं सत्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहूंगा, मैं लोगों को संगठित करूंगा। तो यहीं पे गांधी जो है वो मोहनदास समाप्त हो जाता है और महात्मा का जन्म होता है, जो मानवता की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, वो एक सृष्टि की बात करता है, वो व्यक्ति के अधिकारों के लिए संघर्ष की बात करता है, वो व्यक्ति को जोड़ने की बात करता है, व्यक्ति के विरुद्ध नैतिक शासन और अनुशासन के साथ व्यक्ति का विरोध नहीं करता, उसकी आक्रामकता का, उसके गलत कार्यों का विरोध करने की बात करता है। इस प्रकार गांधी मजबूर गांधी नहीं, गांधी एक संघर्षरत गांधी है। और गांधी का मतलब कर्तव्य और कर्मनिष्ठ और नैतिक गांधी है। और गांधी का जो अर्थ है वो संघर्ष का पर्याय है। गांधी मजबूरी नहीं है। गांधी जिसे लोग कह देते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो गांधी नहीं है। गांधी तो संघर्ष करने का नाम है, गांधी तो कर्मण्यवादिता का नाम है, गांधी तो नैतिकता का नाम है, गांधी एक मूल्यों की प्रतिष्ठा का नाम है, गांधी व्यक्तित्व निर्माण की पराकाष्ठा का नाम है, गांधी भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है। गांधी दर्शन क्या है? गांधी दर्शन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वैदिक मूल्य हैं, जो सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, अचौर्य है, इस प्रकार के सिद्धांतों को स्वीकार करता है। और गांधी गांधी नहीं, सत्य का अन्वेक्षक है, सत्यान्वेक्षी है। गांधी कहता है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मैं जो कहता हूँ वो कुछ नहीं है, मैं जो करता हूँ वो महत्वपूर्ण है, और जो जिनको अच्छा लगे उस बात को वो स्वीकार करें, जो बात मेरी गलत हो उसे छोड़ दें। इस प्रकार से ये जो गांधी का संदेश है, वास्तविक रूप से अगर हम देखना चाहें तो वही गांधी है, क्योंकि गांधी कर्तव्य है, गांधी मूल्य है, गांधी संघर्ष है, गांधी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्याय और सत्य की उपासना का नाम है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के प्रयोग की बात करता है गांधी, कभी असत्य नहीं बोलता। वो कहता है कि मैं जिस समय मेरे पिता का देहांत हो रहा था, उस समय अपनी पत्नी के साथ व्यभिचार में रत था, क्या कोई इस प्रकार की स्पष्ट और सत्य की प्रतीक मूर्ति बनता है? क्या कोई अपनी आत्मकथा लिखते समय इतनी सत्य को उजागर करता है कि मैंने एक बार बकरे का मांस खाया, मुझे लगा कि बकरा मेरे पेट में मिमिया रहा है, म्याऊं म्याऊं कर रहा है, ये क्या है? ये सत्य है, ये ट्रुथ है, और ये ट्रुथ बोलने की हिम्मत हर आदमी में नहीं होती। जहाँ तक आज की दृष्टि में हम देखें, इतना मीडिया प्रभावित है, इतना व्हाट्सएप विश्वविद्यालय चल रहे हैं, प्रचार और प्रसार के यंत्र और साधन हैं, और जबकि उस समय न इतने प्रचार के साधन हैं, न इतने यंत्र हैं, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांधी अडिग खड़े रहते हैं न्याय और संघर्ष के लिए, और उन्हें पत्र प्राप्त होता है। भारत में लंगोटी वाले बाबा को पत्र प्राप्त हो, लंदन के म्यूजियम में ये लिखा हुआ है, पड़ा हुआ पत्र है। तो आप जरा सोचिए उसकी प्रसिद्धि, उसका प्रयोग, उसके कार्य, जिसके परिणाम स्वरूप लोग उनका अगर नाम न जानते हों, एड्रेस नहीं जानते हों, तो भी पोस्ट मास्टर उसे पत्र सौंपता है। इससे बड़ा विज्ञापन अपने कर्तव्य और कर्म के आधार पर कहीं संसार में उदाहरण स्वरूप दिखाई नहीं देता। आज जितने विज्ञापन और दृश्य साधनों की हम बात करते हैं, ये सब पीत पत्रकारिता का परिणाम है। गांधी का नाम पारदर्शिता है, अपनी कथनी और करनी में गांधी समानता की बात रखते हैं, कहते हैं वही करते हैं, इसलिए गांधी एक आदर्श है लोगों के लिए। परंतु आदर्श नहीं, गांधी यथार्थ है, क्योंकि वो कहता है जो मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो, पहले करता है फिर बोलता है। इस प्रकार से गांधी एक आदर्श नहीं, यथार्थ है। गांधी एक सिद्धांत नहीं, व्यवहार है। गांधी एक दर्शन नहीं, एक चिंतन है। गांधी एक कर्तव्य है। गांधी एक गीता का मार्गदृष्टा है, गीता को सब कुछ स्वीकार करता है, गीता माता कहता है, सत्य का अन्वेक्षण करता है। इसलिए गांधी सामान्य व्यक्ति नहीं। गांधी कहता है जो भजन है हमारे यहाँ, हम भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहा है, वो भजन गांधी का प्रिय भजन है।
वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव वो है जिसके हृदय में दूसरे का दर्द है पर दुख कातरता। गांधी ये लंगोटी यूं ही नहीं पहन लेते। चंपारण में जब गांधी आंदोलन के समय जाते हैं उनके साथ बा होती है, परिवार से एक महिला निकल कर आती है गंदे और कुचले कपड़ों के अंदर। गांधी बा से कहते हैं कि इन्हें बोलो कि कपड़े साफ और स्वच्छ पहने। जब वो बा उसे समझाने जाती है, झोपड़ी में देखती है तो वो कहती है कि मैं बापू से मिलने और दर्शन करने के लिए आई थी और ये देखिए मेरी पुत्री यहाँ नंगी बैठी हुई है, इसके वस्त्र मैं पहन करके गई थी, अब अगर हमें बाहर जाना होगा तो ये वस्त्र जो है ये पहन के जाएगी, मैं घर के अंदर रहूंगी। ये भारत की गरीबी है, ये भारत का अंग्रेजों द्वारा बनाया गया शोषण का परिणाम है। उस दिन गांधी संकल्प लेते हैं कि मैं जब तक पूर्ण वस्त्र नहीं पहनूंगा, जब तक मेरे एक एक भारतीय को ये वस्त्र नहीं मिल जाएंगे। ये जो पर दुख कातरता है अपने हृदय के अंतर्गत दूसरे के दर्द को महसूस करना और उसके अनुसार जीवन जिया जाना, उसके अनुसार लोगों का हृदय परिवर्तन करना, ये गांधी की तकनीक है। और यही तकनीक नहीं, वास्तविक गांधी यही गांधी है जो भारत का गांधी है, जो भारत को समझता है। इसीलिए रोमा रोला कहते हैं अगर गांधी अगर भारत को समझना हो तो गांधी और विवेकानंद को पढ़ लीजिए, उन दोनों के जीवन को समझ लीजिए, आप भारत को समझ पाएंगे। गांधी पर्यावरण संरक्षक है, पौधे लगाने की बात करता है, पौधों के नष्ट करने की बात नहीं करता। अगर एक पौधा नष्ट किया जाता है तो उससे पहले दो पौधे लगाने की बात। जिस स्वच्छता मिशन की आज हम बात कर रहे हैं वो स्वच्छता मिशन गांधी उस जमाने में चलाते हैं और गांधी कहते हैं, गांधी पुस्तक में साथ लिखा है, आप देखिए व्यक्ति लेटरिंग भी जाता है तो चकोर गड्ढा खोदता है उसमें लेटरिंग करता है और जो है चार अंगुल से छः अंगुल के बीच में उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उसको कर देता है जिससे बदबू ना फैले और वो एक खाद के रूप में जन कृषि के काम में आए। इस प्रकार गांधी प्रथम बार नहीं आजीवन स्वच्छता के पुजारी रहते हैं। गंदी बस्तियों में रहते हुए भी गांधी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए गांधी कोई काम नहीं, गांधी कोई नाम नहीं, गांधी एक चिंतन नहीं, गांधी एक व्यवहार है। प्रश्न उठता है कि तो फिर गांधी क्या नहीं है? जब गांधी वह धर्मात्मा है, वह गांधी महात्मा है जो कथावाचक नहीं, जो एक विचारक विचार देने वाला नहीं, गांधी एक चिंतन भी देता है और उस चिंतन पर चलता भी है। इसलिए गांधी वो गांधी है जिसकी भारत को आज भी आवश्यकता है, परंतु दुर्भाग्य है गांधी को भारत ने स्वीकार नहीं किया, विदेशियों ने जिसे स्वीकार किया। शूमेकर की जो पुस्तक है जो स्माल इज ब्यूटीफुल, गांधी उसी की बात करते हैं। हर आदमी को काम मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, गांधी कभी भी तकनीकी के विरोधी नहीं, औद्योगिकरण के विरोधी नहीं, मशीनीकरण के विरोधी नहीं, गांधी पुरातन की ओर जाने वाले नहीं, गांधी आधुनिकता और पुरातनता के एक सेतु हैं। गांधी कहते हैं जब मैं ये चश्मा लगाता हूँ तो ये चश्मा भी एक मशीन है, ये भी एक यंत्र है, मैं इसका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? ये शरीर भी तो एक यंत्र है, ये भी तो एक मशीन है, मैं यंत्रों का विरोधी नहीं, मैं उन यंत्रों का सम्मान करता हूँ जो व्यक्ति के हाथ को काम दे, व्यक्ति की मेहनत में सहयोग करे, व्यक्ति का विकास करने वाला हो, जो मारक अस्त्र शस्त्र ना हो, जो केवल मात्र अगर शस्त्र होते हैं तो मानवता के निर्माण के शस्त्र। इसलिए गांधी हिंसात्मक शस्त्रों की परमाणु बम का विरोध करते हैं, गांधी बिजली का विरोध नहीं करते, गांधी सिंगर की सिलाई मशीन का विरोध नहीं करते। गांधी कहते हैं ऐसी तकनीक होनी चाहिए जो सर्व सुलभ हो, सस्ती हो और सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली हो। धन्यवाद।